हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोई वो तीर चलाने वाले लोग तो नहीं है? पहले आने तो दो, फिर देखते हैं। आप लोग यहाँ सर? सर हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, पर सिग्नल नहीं मिल रहा था सर। हमारी भी वही हालत है, इसलिए हमें चिंता हो रही थी तुम लोगों को लेकर। तभी हम उस मल्लाह से जाके मिले, आईशोर से, और उसने यहाँ आने का नक्शा दिया हमें। मैं आपको नक्शा देता हूँ, आप चले जाइए ना शिकार हो दी। मैं आपको मैप देता हूँ। अच्छा, पुलवे पंकज कहाँ है? सर वो कहाँ है पुलवे पंकज? सर इस टापू पे रहने वाले लोगों ने हम पर तीरों से हमला किया सर। उनसे बच के निकले ही थे कि जंगली भेड़ियों का सामना हुआ। और सर उस भयानक भेड़ी से बचने के लिए हमने तय किया था कि अलग अलग दिशा में जाएंगे। ये भी तय किया था कि कल सुबह उसी जगह पर मिलेंगे। लेकिन मगर वो लोग आए नहीं सर। वो पंकज और पूर्वी दोनों लापता है सर। माय गॉड। और रजत सर कहाँ है? रजत कहाँ है दया? वो क्या बताओ जल्दी। सर उस भयानक भेड़ी से बचने के लिए जब मैं भाग रहा था तो मेरा पैर फिसल गया सर, और मैं खाई में गिरने लगा था कि रजत सर ने मुझे बचाने की कोशिश की। और आप कोशिश कीजिए सर, आप भी मेरे घर वालों को खबर कर देना कि रजत ड्यूटी पर मरा था। सर सोच रहे हो सर? वो खुद खाई में गिर गए सर। रजत जो खाई में गिर गया? हाँ सर, वो खाई में गिरा और हम लोग वहाँ पे गए भी थे रजत को ढूंढने के लिए, मगर वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला सर। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ मगर सर हम सबकी जान खतरे में है सर। हमें कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि इस टापू पर आदमखोर लोग रहते हैं। ओह नो, किसी इंसान को जला कर खाने की कोशिश की गई है। इस टापू पर आदमखोर लोग रहते हैं? हाँ सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सर कि इन जंगली लोगों का इस केस से क्या संबंध हो सकता है, और उन लोगों ने डॉक्टर सालुंके को शहर से अगवा क्यों किया? सर मुझे लगता है कि इस टापू पे सिर्फ आदमखोर लोग नहीं, कोई और भी है। हमें यहाँ रास्ते में ये बुलेट्स के शेल्स मिले, और वहाँ आसपास खून भी लगा हुआ था, ताजा खून। और सर इस बंकर में राइफल्स भी हैं। हो सकता है कि ये शेल्स इन्हीं राइफल्स की हो। राइफल और कारतूस? इसका मतलब इस बंकर से उन लोगों ने ये राइफल और कारतूस निकाले? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खून सालों के साथ पंकज और पूर्वी का था? ना, एक काम करो, उसी जगह पे जाकर फिर से अच्छी तरह से देखो उस जगह पे जहाँ से ये शेल वो ताजा खून मिला था, यहाँ से उत्तर दिशा में। जाओ भैया जल्दी जल्दी के जाना, समझे? चलो अब इस बंकर का एक एक कोना छान मार के एक एक ही ढूंढते हैं, देखते कोई ऐसी चीज मिले जो इस गुत्थी को सुलझा दे। समझ में नहीं आ रहा ये सब कर कौन रहा है और वो चाहता क्या है। सर शायद इसके पीछे सालों के सर किसी पुराने दुश्मन का हाथ हो, वो उनसे बदला लेना चाहता हो। नहीं, मुझे लगता है कोई और ही बात है, कोई बहुत बड़ी साजिश है। एक काम करो, इस जगह का एक एक कोना अच्छी तरह से जान मारो। चलो सर।
से ये देखिए, पुराने रेडियोज मिले। ये देखिए, हाँ रेडियो सिग्नल का तो सामान है। हो सकता है इन्हीं रेडियो से वो लोग सिग्नल भेजते थे, संपर्क बनाते थे। इन रेडियोज को हमारे साथ ले चलो। निखिल, ये वो सर, ये देखो, ये किसी को घसीट के ले जाया गया है। ओह नो, क्या वो सर, आप ठीक तो हैं सर? सर चकरा रहा है, अचानक चक्कर सा आ गया है। सब मुझे भी सब चकरा रहा है सर। तुम्हें भी चक्कर आ रहा है? हाँ सर। इसका मतलब यार हवा में ही कुछ है। चलो यहाँ से निकलते हैं। लगता है ये किसी सैनिक की पर्सनल डायरी लगती है सर। जी देखिए ना, हाँ अकेलेपन के बारे में लिखा है इसने। इसमें उसने अपने यहां से भागने की नाकाम कोशिश के बारे में भी लिखा है, और लिखा है किसी अद्भुत शक्ति के बारे में। इस रहस्यमय द्वीप पे है, और जिस शक्ति ने उसके आधे से ज्यादा फौजी दोस्तों को खत्म कर दिया। लेकिन सर ऐसी रहस्यमय और अजनबी चीज क्या हो सकती जिसने इतने सालों पहले भी आतंक बचा के रखा हुआ था, और इतने सालों के बाद अभी भी उसका आतंक बना हुआ है जिसकी वजह से हम इस द्वीप में फंसे हुए हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पे जरूर पुरानी आत्मा रहती होगी जो इंसानों को खा रही है सर। पहले तुम्हें खाएगी। हाँ? ये देखो, इसमें ये लिखा है कि यहाँ उन्हें किसी खास काम की वजह से लाया गया था, लेकिन काम क्या था बताया नहीं। और फिर अरे लिखने का आधे में छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिखते वक्त ही किसी ने इस पर हमला किया और बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। सर क्या वहां पे कुछ कागज पड़े हुए ऊपर? क्या है? हाँ सर, कागज के टुकड़े हैं। क्या है देखो जरा उसकी। लगता है कोई ड्राइंग बनाई हुई, कुछ लिखा भी हुआ है, नक्शा है सर ये। हाँ ये देखो क्या लिखा है, खोदने का काम सैनिक ही करेंगे। शायद कोई खजाना होगा सर। आत्मा हो गया अब खजाना, कुछ सोचते हो या नहीं कभी? ये देखिए सर, झांगू के पेड़ हैं और उनके नीचे सा गोल निशान बनाया है। कहीं खुदाई का काम इसी जगह पर तो नहीं, झांगू के पेड़ के नीचे? क्या क्या राज छुपा है उन झांगू के पेड़ों के नीचे? चलो यहां से। बैग पता नहीं कहां चला गया। पानी पूर्वी, पूर्वी इधर आओ। आप क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। क्या है? अरे
तुम इतने नाराज क्यों हो? थोड़ा रिलैक्स करो। मैं तो कहता हूँ कि ये जगह अच्छी है, थोड़ा ठंडा लग रहा है, यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। पंकज, हम यहाँ कोई कैंपिंग ट्रिप करने आए हैं। यार तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो। तो क्या करूँ, क्या करूँ मैं? पंकज, हम यहाँ एक सीरियस काम के लिए आए, ओके? अरे तुम एक सेकेंड रुको, मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ, शायद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। यहीं रुको, यहीं रुकना। पंकज, पंकज आ रहा हूँ। पंकज, पंकज, ये सब क्या है? रुको। डॉक्टर साड़ू के मिल जाना, फिर तुम्हारा डांस देखती हूँ मैं। पंकज, समझ में नहीं आ रही आखिर ऐसी क्या चीज है इस जमीन के नीचे के सैनिक खोदने के लिए आए थे। वो कोई अनमोल चीज, कोई अनमोल चीज जिसके लिए ये सब हो रहा है। सचिन, लगता है यही वो जगह है। ये देखो, ये सारे झांबू के तो पेड़, लगता है यही वो जगह है जो हमने नक्शे में देखी थी। वहां चलकर देखते हैं। ये देखो सचिन, नक्शे में जो गोल निशान किया हुआ था ना, झांबू के पेड़ों के नीचे, ये है वो जगह। ये हाँ सर, इस जगह पे हाल ही में खुदाई भी की गई है। लेकिन सर, कोई भी इस जगह को फिर से खोदने क्यों आएगा? श्रेया, उसी अनमोल चीज के लिए, उसी अनमोल चीज के लिए खोदा गया ये। काम करो, फैल जाते हैं जंगल का एक एक इंच छान मारते, एक एक इंच, शायद पता चल जाएगा क्या खोज रहे थे वो लोग। श्रेया, माय गॉड, ये क्या हो श्रेया? ये नाक में से खून कैसे? मेरा सर बहुत भारी लग रहा है सर। इस जगह में ऐसा कुछ तो है, मुझे भी चक्कर आ रहा है सर। सर बहुत गर्मी भी हो रही है, पानी भी नहीं है हमारे पास। मुझे भी थोड़ी सी चक्कर जैसे आ रही है। क्या? लेकिन कुछ तो है यहाँ पर सचिन, कुछ तो है यहाँ पर, कोई अजीब बात है सर। हाँ देखिए सर, We'll be right back.
गए। अरे तो दया निखिल है, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? कैसे? निखिल, तो लगता दोनों ही बेहोश हैं। माय गॉड, इन दोनों के नाक में से भी वैसे ही खून आ रहा है। दया, क्या हुआ? हैं? बेहोश कैसे हो गए तुम दोनों? संभल के। हमें खाली कारतूस मिला, उसे ढूंढते हुए आगे जा रहे थे तो कुछ पैरों के निशान मिले सर। और फिर हम दोनों को चक्कर आया और हम दोनों बेहोश हो गए सर। दही नाक से खून आना, चक्कर आना, ये तो हमारे साथ भी हुआ था। खैर, लेकिन वो जगह मिल गई है जहाँ पर खुदाई हुई थी, दूरी पर है। लगता है वो लोग उस चीज को ले गए। अब क्या करें सर? पहले हमारे बाकी लोगों को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं बेचारे किस हाल में है। सर, वो जो पुराने रेडियो हमें बंकर से मिले, शायद वो हमारे किसी काम आ जाए। लेकिन सर, वो रेडियो तो बहुत पुराने, इतने सालों बाद तो रेडियोस की बैटरी खराब हो गई होगी। सर, शायद हमारे मोबाइल फोन की बैटरीज कुछ काम आ जाए। और वो रेडियो के एंटीना तो सही सलामत लग रहे थे सर। अगर हम उस रेडियो को अलग अलग दिशाओं में ले जाकर ट्यून करें तो शायद पता चल जाए कि वो रेडियो बेस कहाँ है। कोशिश करके देखते, शायद हो जाए। रेडियो फ्रेडी के पास है, चलो। क्या पिलाया? क्या पिलाया? क्या पिलाया? क्या पिलाया? क्या पिलाया? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर? आपने तो मुझे डरा ही दिया। एसीपी साहब ने मुझे भेजा था रेडियो फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए, मगर यहाँ पे मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है, इसीलिए मैं डर गया। रेडियो? रेडियो से मुझे आइडिया है। एक काम करो, तुम वापस एसीपी साहब के पास चलो और निकल ये रेडियो लो और हम अपना काम शुरू करते हैं। सर, मुझे ज्यादा टेक्निकल चीजों के बारे में पता नहीं है तो अब पता होने की जरूरत भी नहीं है। रेडियो को ऑन करो और हम लोग इस द्वीप के अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। जहाँ पे भी रेडियो बेस होगा वहाँ पे सिग्नल मिलेगा। हम लोग साथ में रहेंगे तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन सर, इससे पहले भी हमने अपने मोबाइल से बहुत सारे मैसेज भेजने की कोशिश की लेकिन नहीं जा रहा। सर, यहाँ पर इस आइलैंड पर जाम लगा है। निखिल, हम कोई मैसेज भेजने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जैमर कहाँ पे लगा हुआ है और वो रेडियो ट्रांसमीटर बेस कहाँ पर है जहाँ से डॉक्टर सालुंके ने हमें मैसेज भेजा था। हमें अपने रेडियोज को ट्यून करते करते आगे चलना है। जहाँ पर सिग्नल साफ मिले उस दिशा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल, एक काम करो, तुम इस दिशा में जाओ, मैं यहाँ पे देखता हूँ। मगर हाँ, करीब आधे घंटे के बाद हम यहाँ पे फिर से मिलेंगे। सर, जाओ।
काम हो गया। सालुंके को जो दवा दी थी उसका असर हो गया। अब वो जो कहेगा सच कहेगा। क्या नाम है? डॉक्टर सालुंके। तुम क्या काम करते हो? मैं CID में फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं। तुमने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? SKN साइंस कॉलेज। इस टेस्ट का एक प्रोसेस होता है। फॉर्मूला पूछने से पहले मुझे इन्हें उस याद में ले जाना पड़ेगा जब इन्होंने वो फॉर्मूला तैयार किया था। 1983 में तुमने कॉलेज में खास एक्सपेरिमेंट किया था? हाँ, किया था। क्या था, याद है तुम्हें? याद है। मैंने एक खास किस्म का विस्फोटक बनाया था। मुझे उस विस्फोटक पदार्थ का फॉर्मूला चाहिए। सही सलामत है, काम खत्म होते ही डॉक्टर को और तो सर। चार्ली सही सलामत है मतलब इनके मिशन का नाम चार्ली हो सकता है। डॉक्टर को मार देंगे मतलब डॉक्टर सालुंके? इसका मतलब है मिशन खत्म होने के बाद वो लोग डॉक्टर सालुंके को मार देंगे, मतलब डॉक्टर सालुंके अब तक जिंदा है। डॉक्टर की जरूरत है इसलिए जिंदा रखा है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर सालुंके तक पहुंचना होगा किसी भी हाल में। चलो चलते चलते हम लोग इतनी दूर आ गए लेकिन अब तक पंकज और पूर्वी का कुछ पता नहीं चला सर। हाँ लेकिन किसी भी हालत में उन्हें ढूंढना तो होगा ही होगा। समझ में नहीं आता क्या रहस्य है इस टापू का। लगता है सालुंके साहब का अपहरण एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा है सर, ताकि हम इस टापू पर इस आइलैंड पे आ सके। सर उस खुदी हुई जगह से हम लोग इतनी दूर आ गए फिर भी मेरा सर चकरा जा रहा है। जो कुछ भी है सचिन, वो जो खुदा हुआ खड्डा है ना, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से। चलो पंकज। पूर्वी खुद तो होता ही है इसके पास। ठीक तो रहा? ठीक हूँ सर।
सर ये कपड़े का टुकड़ा और इस पे खून लगा है। सर सर ये कपड़े का टुकड़ा पूर्वी की शर्ट का है। पक्का पूर्वी की शर्ट का है? हाँ सर, उसके बर्थडे पे ये शर्ट मैंने ही उसे गिफ्ट की थी। अगर ये शर्ट का टुकड़ा पूर्वी के शर्ट का है तो फिर पूर्वी और पंकज इस दिशा में है। Let's go. कुछ आवाज आ रही है? नहीं सर। तो सिग्नल कैच नहीं कर रहा है। उस तरफ, इस तरफ। सिग्नल मिल रहा है? हाँ सर, सिग्नल तो मिल रहा है, लेकिन रेडियो भी इस कहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। सिग्नल पकड़ा है सर। हो सकता है ये कि किसी अंडरग्राउंड बंकर में रेडियो बेस बनाया गया हो, क्योंकि जिसने भी ये रेडियो बेस बनाया होगा वो तो सुरक्षित जगह ही देखेगा। चलो उस तरफ चलकर देखते हैं। हाँ सर। ये रेडियो सिग्नल्स इस झोपड़े से आ रहा है। आ जाओ। मैसेज तो कर दिया है, अब चले गए यहां से? अबे नहीं, बॉस ने कहा था कि पैसे के बारे में खबर लेकर ही आना। तो ठीक है भाई, रेडियो मैसेज के जवाब का इंतजार करते हैं, फिर चलते हैं आराम से। देखता हूं। सरी तो मर गया। सूरज, चलो अंदर देखते हैं। डॉक्टर सालुंके ने ही से कांटेक्ट किया होगा, मगर फोन तो बंद है, कोई सिग्नल नहीं है। तो यहां ये फोन चल नहीं रहा है, डॉक्टर सालुंके ने कांटेक्ट कहां से किया होगा? मैं यही हूँ पंकज। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हम लोग कितना ऊपर लटक गए,
चक्कर आ रहा है, पूर्वी मुझे चक्कर आ रहा है। हे भगवान बचा ले मुझे भगवान। अरे जंगल की देवी, मैं कभी आपके फल फ्रूट नहीं तोड़ूंगा, मुझे बचा लो प्लीज। चुप चुप रहो पंकज, और सोचो कि करना क्या है। अरे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लटक गए, अब हमसे मरने वाले। क्या बोल रहे हो तुम, चुप बैठो, बचाओ। कोई आ रहा है, पंकज कोई आ रहा है, इस तरफ ही आ रहा है शायद। बचाइए, कौन है? प्लीज हमें बचाइए, हम लोग यहाँ इस पेड़ पर है, बचाओ बचाओ। देखो देखो, ये बहुत खतरनाक आदमी लग रहा है, इसी ने हमें लटकाया है, अब ये हमें मारा लेगा, पूरी हमें मारा लेगा। पंकज, शायद शायद ये हमें बचाना है, इसे मदद मांग के देखते। प्लीज प्लीज हमें यहाँ से नीचे उतारिए, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, हेल्प हेल्प हेल्प। पंकज, पूर्वी, समझ में नहीं आता कहाँ गए होंगे ये दोनों। सर लगता है आदिवासी लोगों ने उन दोनों को कब्जे में ले लिया है। ना, आते हैं। एक मिनट। बाकी के लोगों का पता चला सर? नहीं भैया, कुछ पता नहीं चला किसी के बारे में। सर उनका पता तो नहीं लगा, लेकिन ये आधे समय पूर्वी की शर्ट का टुकड़ा मिला है। जख्म के निशान कैसे तुम्हारे हाथों पर? सर वो तीन गुंडों के साथ हाथापाई हुई थी। सर हम लोग वो रेडियो का सिग्नल ढूंढते ढूंढते वहाँ एक झोपड़े में पहुंच गए सर, वहाँ पे तीन गुंडे थे। सर उस हाथापाई में दो मारे गए सर, तीसरे को हमने पकड़ लिया था, उससे कुछ पूछताछ करते उससे पहले उसने आत्महत्या कर लिया। सर मैंने उनमें से एक को पहचान लिया है, उसका नाम सूरज है सर। कई साल पहले तेल तस्करी माफिया के केस में हमने उसे पकड़ा था, मगर बाद में वो छूट गया। सूरज शिकार होड़ी पर? सर मुझे लगता है ये सूरज यहाँ पे अकेला नहीं है सर, ऐसे कई खुकार अपराधियों को यहाँ पे लाया गया है। तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कौन है ये जो ऐसे लोगों को यहाँ शिकार होड़ी पर लेकर आया है, और फिर किस लिए और किस मकसद से। सर हमने एक मैसेज भी इंटरसेप्ट किया उस रेडियो पे, उसे पता चलता है कि डॉक्टर सालुंके की जान को खतरा है सर। जो फिर सालुंके कहाँ है, कुछ पता चला? सर ये तो पता नहीं चला, लेकिन एक आदमी दूसरे से कह रहा था कि काम खत्म हो जाने के बाद वो लोग डॉक्टर साहब को खत्म कर देंगे। काम खत्म हो जाने के बाद सालुंके को मार देंगे? किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे डॉक्टर तारिक, आप यहाँ पे? अभिजीत तुम? क्या बात है, मुझे देख के चौंक क्यों रही? अरे भाई दो चार दिन के लिए दिल्ली गया था, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? अभिजीत वो क्या बात है तारिक, आप और बाकी लोग कहाँ हैं? अभिजीत हमारी पूरी टीम लापता है। पूरी टीम लापता है? हाँ, सालों के सर, एसीपी सर, सारे सीआईडी ऑफिसर, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओह माय गॉड, तभी मैं भी सोचूं, मैं सबको फोन लगा रहा हूँ, किसी का फोन लग नहीं रहा है, ये सब कैसे हुआ तारिका? पहले सालों के सर अचानक गायब हो गए, फिर उनको ढूंढने के लिए सारी की सारी सीआईडी टीम निकल पड़ी, लेकिन अब किसी का भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, किसी का मोबाइल फोन नहीं लग रहा है, ना ही उनका सैटेलाइट फोन लग रहा है, और तो और ये देखो यहाँ तक कि जीपीआरएस सिस्टम में उनका लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो पा रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे। टेंशन मत लो तारिका, मैं सबको ढूंढ कर निकालूंगा। तुम ये बताओ ये सब गए कहाँ थे? वो सब एक अनजान खतरनाक टापू पर गए जो कि हिंद महासागर में, और एक ही आदमी जो उसके बारे में जानता है। कौन? आईशोर नाम का एक मल्हा। आईशोर? इस आईशोर का एड्रेस दो। अभिजीत मैं भी आ रही उन्हें ढूंढने। तारिका वहां पे खतरा है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अभिजीत ये मत भूलो कि मैं भी सीआईडी का एक हिस्सा हूं। ठीक है चलो। सर
द्वीप का रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। एक ओर इस द्वीप के आदमखोर लोग हम पर तीरों से हमला कर रहे हैं और दूसरी ओर आधुनिक हथियार से गोलियां भी बरसा रहे हैं। दया, ये जो आधुनिक हथियार वाले हैं ना, उन्होंने सालुंखे को अगवा किया है। देखिए सर, सर लगता कोई इस जाल में फंसा था मगर बच के निकल गया। ये जाल काट के हैं सर। जरूर ये जाल आदमखोर लोगों ने ही बिछाया होगा किसी को फंसाने के लिए। लेकिन सर इस जाल में फंसा कौन होगा? सर हमें इन दोनों को किसी भी हाल में बचाना होगा, उनकी जान को खतरा है सर। सर ये देखिए पूर्वी का बैज। सर मतलब पूर्वी और पंकज यहाँ थे? माय गॉड, तब पूर्वी और पंकज जरूर इन लोगों के कब्जे में हैं। चलो गया, ढूंढना ही होगा उनको, जल्दी से जल्दी। तो मैं नहीं मारना चाहता, मैंने ही तुम लोगों की जान बचाई है, मैंने ही तुम लोगों को उस पेड़ से नीचे उतारा है। तुम लोग नीचे गिरकर बेहोश हो गए थे। माफ कीजिए, हमने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, अभी चलिए यहां से चलती। मगर आप है कौन? मेरा नाम रणविजय है, मैं पिछले 5 महीनों से इस आइलैंड पर फंसा हुआ। देखिए वैसे तो मैं एक साइंटिस्ट हूं लेकिन मैं अपने साथियों के साथ इस आइलैंड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर रिसर्च कर रहा था। मेरे सारे साथी मारे गए, मैं अकेला बचाऊ। चलिए। आप एक साइंटिस्ट हैं? हम लोग CID से हैं। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इस टापू पे ये कैसे हो सकता है? है बिजली की तरंगों की वजह से इस पूरे इलाके में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड बन गया है, इसलिए यहाँ पर मोबाइल और कंपास काम नहीं करते। हम भी अपनी टीम के साथ आए थे लेकिन हम उनसे बिछड़ गए। हम उन्हीं को ढूंढ रहे इस द्वीप पर। बहुत सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पर, इस पूरे इलाके में आदमखोर आदिवासी है, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। भागो यहाँ से, भागो! सर जब से इस मनहूस टापू पर आए हैं
तब से कोई ना कोई अनहोनी हो रही है हमारे साथ। पहले सालुंखे सर, फिर रजत सर, अब पंकज और पूर्वी। अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, बस किसी भी हाल में हम हिम्मत नहीं हारनी है। भूलो मत श्रेया, सीआईडी वाली हो, हार ना जानते नहीं सीआईडी वाले, समझे? वहां क्या कर रहे? तू वहां जाके करो ना। कोई भी अपनी जगह चीज ना, मैं इसका पेचा उड़ा दूंगा। कौन हो तुम? आपका सेवक। ये गन नहीं चला, वरना वरना क्या, खाली हाथ से क्या करेगा तू? बस इतना ही गिरा है तुम्हारा, हैं? अकल के दुश्मनों, मरने से पहले बताओ कि हमारे डॉक्टर साळुंखे कहाँ है? जहां कहीं भी हो इस समय वो अपनी मौत की घड़ी गिन रहा होगा, और तुम सब भी वही करते हैं। मौत की घड़ियां हम गिन रहे हैं या? सर, अब तेरी बारी। कुछ नहीं, ये गोलू की आवाज कैसी? लगता है वहां से आई है। लगता है दया सर और हमारी टीम खतरे में, हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हमारी खुद की हालत खराब है। तो क्या करें, क्या आराम से बैठे रहे और अपनी टीम को मौत के हवाले कर दें? अगर हम उनके सामने गए तो हमें मार डालेंगे, तो हमें जान से मार डालेंगे। सीआईडी ऑफिसर्स खतरों से भागते नहीं, खतरों का सामना करते हैं। मैं जा रही हूँ अपनी टीम को बचाने। कमाल, यहाँ जितने लोग हैं उनमें से तो किसी ने गोली चलाई नहीं, तो गोली चली कहाँ से? कौन है वहाँ? आ निकलो। कैसा तुम लोग? सर ये क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, गोली लगी है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? सर आप लोग से जब बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो पाया तो मुझे चिंता होने लगी, और अभिजीत के लौटने पर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। सर ये आयशोर की मदद से हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। सारू के साथ कुछ पता चला? ये सारू के कुछ पता नहीं चला, और फिर पंकज पूर्वी और रजत ये भी गायब है। सर मैंने कहा नहीं था ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर नहीं, रजत को मार देंगे लोग, गोली मत चला। नहीं हो सकता, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा।
तो चट्टान से नीचे गिर गए थे, बच कैसे गए? सर मुझे बस इतना याद है कि मैं पहाड़ के ऊपर से गिरा, कुछ चट्टानों से टकराया और फिर शायद बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो एक बच्चा मुझे पानी पिला रहा था। से मेरा इलाज किया। हमें कुछ करना होगा वरना ये आदमखोर लोग सबको मार डालेंगे। एक काम करते हैं, मैं इन सबका ध्यान अपनी तरफ बटाता हूँ, तुम और रणविजय जाके सबके हाथ खोल दो। ठीक है पंकज, संभाल कर। आओ इधर, पकड़ो मुझे। पंकज बोलो सबको, जल्दी जल्दी करो, जल्दी सीआईडी ऑफिसर्स हैं, कानून के रखवाले हैं। हम अपने साथी को ढूंढने आए हैं, डॉक्टर सारुंखे को, और हम आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। इस टापू पर बहुत खराब लोग आ गया है, जिनसे हमारी पूरी काम को खतरा है। हमारा दुश्मनी उनसे है, हमारे लोगों को लगा कि आप उन बुरा लोगों का साथी हो, इसलिए हमला किया। लेकिन हमें यहाँ कई लाशें मिली है, क्या यहाँ के लोग आदमखोर है? नहीं नहीं, हम लोग प्रकृति की पूजा करता है, हम लोग फल फूल खाता है, इंसानों को नहीं। हमारी कौम को शांति पसंद है, अशांति नहीं। तब तो तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक ही है, क्या तुम सब लोग हमारी मदद करोगे है? दुश्मन को पकड़ने के लिए? बिल्कुल। अभिजीत, रजत मेरे साथ चलो। बताए सर, है कौन ये लोग? ये लोग 2 महीना पहले इधर आया है द्वीप पर, और इन लोगों ने हमारा बहुत आदमी बंदी बना लिया, और कुछ लोगों को बहुत ही बेदर्दी से मार दिया, जिन सबका लाश हमें जंगल से मिला है। अच्छा, और हम तो सोच रहे थे कि यहाँ के लोग आदमखोर हैं। मतलब ये सारा काम उन दरिंदों का है, उन कमीनों का, जंगल में ये लाशें और ये कंकाल फेंकना, ताकि डर के मारे कोई इस इलाके में आए ना, है ना? सर लेकिन इन लोगों ने डॉक्टर सारुंखे का अपहरण क्यों किया? चाहते क्या हैं ये लोग? पता नहीं, लेकिन जब से ये लोग टापू पर आया है तब से खुदाई का काम चल रहा है। हाँ सर,
इस पूरे टापू में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है सर, चुंबकीय तरंगों का क्षेत्र, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। सर, अगर इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को काबू में नहीं किया गया ना सर, तो पूरा इलाका तहस नहस हो जाएगा। शायद इसीलिए वहां पे हमारे लोगों को चक्कर आने लगा है और नाक से खून निकलने लगा है। इस टापू पर कुछ अनमोल वस्तुएं हैं। हमारे पूर्वजों ने कई साल पहले यह भविष्यवाणी किया था। पर क्या हो सकती है ये वस्तुएं? पता नहीं, लेकिन हमने यह सौगंध लिया है कि हम इस टापू को बर्बाद नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। आप चिंता मत कीजिए, अभी हमारी लड़ाई है और उन लोगों से कैसे निपटना है उसका रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। और क्या जानते हो आप इनके बारे में? ये देखिए, इस टापू पर उन लोगों ने अपना सेना तैयार किया है और उनकी सेना में बहुत सारा लोग है। यहाँ पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? यहाँ पे हम लोग इस रास्ते से पहुंच सकते हैं, और आप चिंता ना करें, हम आपको रास्ता दिखाएगा। एक काम करो रणविजय, तुम यहाँ से जाओ और सरकार को एक एक बात बताओ जो यहाँ पर हो रही है, एक एक बात, और मदद भी लेकर आओ। नहीं सर, मैं आप लोगों को इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकता यहाँ से। रणविजय, तुम हमारी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से। सीआईडी वाले हर मुसीबत से जूझना जानते हैं। देखिए रणविजय जी, आपने जो कुछ किया बहुत किया, हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, आपको जाना ही होगा। हमारे पास एक नाव है, आप उसे लेकर चले जाओ और पूरब दिशा में एक मछुआरे का गांव है, वहां से आपको मदद मिल जाएगा। दया तुम्हें नाव तक पहुंचा देगा रणविजय, जाओ निकलो जल्दी। ठीक है सर, आप लोग ख्याल रखिएगा। अभिजीत, कल सुबह होते ही हम दुश्मन पर हमला बोल देंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.